सोनिया गांधी को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी ने कांग्रेस पर परिवारवाद और समय बर्बाद करने का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस की सभी नीतियों को देश विरोधी करार दिया। देखिए, ये वैसे तो उनका अंदरूनी मामला है, वो किसे अध्यक्ष बनाते हैं किसे नहीं बनाते, लेकिन जितने भी स्टैंड इस समय पर कांग्रेस के हैं वो सब देश विरोधी हैं। सोनिया जी हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, इसके अलावा कोई नाम उनके यहाँ आता नहीं है। वो पार्टी टोटल परिवारवाद से ग्रसित है और वही उसका वजूद है, मुझे लगता है, और कुछ उनके पास है नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने बीजेपी को विकास कार्यों पर ध्यान देने की सलाह दी। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये फैसला करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को ही है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली हुई है, वो जनहित की चिंता करे। कांग्रेस का कौन अध्यक्ष होगा कौन नहीं होगा इस पर अपना समय बर्बाद न करें। अब आपको सत्ता दे रखी है, आप जनहित के कामों का ध्यान रखें। कांग्रेस ने एक बार फिर गांधी परिवार से अध्यक्ष बनाकर विपक्षी पार्टियों को बोलने का मौका दे दिया है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार और बीजेपी के निशाने पर रहने के बावजूद भी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाई है। R9 TV के लिए देहरादून से प्रतीक पाठक की रिपोर्ट।